हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलाइट वेजी रसोई। पास्ता और मैक्रोनी खाना किसे पसंद नहीं है। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही डिलीशियस चीजी मसाला मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम एकदम इंडियन स्टाइल में बनाने वाले हैं। इसके जरिए आप बच्चों को बहुत तरह की वेजिटेबल्स खिला सकते हैं, साथ ही आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बड़ों से लेकर बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आइए बिना देर किए चीजी मसाला मैक्रोनी बनाना शुरू करते हैं। मसाला चीज़ वेज मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे 3 कप पानी। हमें अब पानी में उबाल आने देना है। देखिए पानी में बबल्स आने लग गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच के करीब नमक, 1 छोटा चम्मच तेल डाल देंगे, डालेंगे 1 कप मैक्रोनी। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए उबालना है। ये देखिए मैक्रोनी जो है वो अच्छे से उबल चुकी है। अब हम मैक्रोनी को छान लेंगे। लेंगे एक कढ़ाई और डालेंगे उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन। लहसुन को अब हम अच्छे से सौते कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का टमाटर को पीस लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। एक बार अच्छे से मिला देंगे। डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच मिक्स हर्ब्स डाल देंगे, डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट बाद डालेंगे इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, डालेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई गाजर। गाजर पकने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए हमने उसे बाकी सब्जियों से पहले ही डाल दिया है। अब हम इसे 1 मिनट तक के लिए पका लेंगे। डालेंगे 2 बड़े चम्मच फ्रोजन या उबले हुए स्वीट कॉर्न्स, 3 बड़े चम्मच बारीक कटी शिमला मिर्च डाल देंगे। फिर से इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। डालेंगे 1/4 कप मोजरेला चीज, कर देंगे अच्छे से मिक्स। जो मैक्रोनी हमने बॉईल करी थी उसे भी इसमें डाल देंगे। डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस, 1 छोटा चम्मच शेजवान सॉस डाल देंगे, 1/4 छोटा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक इसी तरह पका लेंगे। डालेंगे ऊपर से हरा धनिया, कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्म चीजी मसाला वेजी मैक्रोनी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। अगर आपको ये चीजी मसाला मैक्रोनी की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप सब तक पहुँचती रहे। जल्दी मैं नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।